नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अपने खून पसीने की कमाई से अपनी जमीन पर स्कूल निर्माण कर शासन को भेंट किया, ऐसे महान विभूति श्री बाबूराम जामोर को मिलना चाहिए राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जाटव। सब पढ़ो आगे बढ़ो की सोच रखने वाले भिंड निवासी श्री बाबूलाल जामोर ने अपने क्षेत्र के बच्चों के पढ़ाई करने के लिए निजी जमीन पर अपने खर्चे से स्कूल का निर्माण कर डाला। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जाटव ने श्री बाबूराम जामोर को बधाई देने उनके निवास स्थान भिंड पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसी अच्छी सोच रखने वाले लोग यदि सामने आकर समाज को आगे लाने का काम करते हैं तो युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज को आगे बढ़ाने का सपना अवश्य पूरा होगा। उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से बाबूराम जामोर को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की मांग की है। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। जय गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम यहाँ रहला जन शिक्षा केंद्र बवेड़ी जिला भिंड में एक ऐसे समाज सेवी के बीच में खड़े हैं। उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से दो पैसे बचाकर अपनी ही जमीन पर एक स्कूल का निर्माण किया, जिससे कि समाज के बच्चे हैं वह शिक्षा प्राप्त कर सकें, बाबा साहब के मिशन पर चल सकें। और स्कूल बनवाने के बाद भिंड जिला कलेक्टर को उन्होंने स्कूल शासन के उनके माध्यम से शासन को सुपुर्द कर दिया। ऐसे समाज सेवक आज हमारे बीच में हैं श्री बाबूलाल जी जामोर, बाबूराम जी जामोर। मैं और मेरी समस्त टीम बाबूलाल जी जामोर का धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है। ऐसे ही बुजुर्ग अगर समाज के लिए सोचने लगेंगे, समाज में IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर समाज के लिए सोचने लगेंगे, तो आप इतना मान लेना कि बाबा साहब का मिशन पूरा होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए मेरा उन उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, सांसद विधायक मंत्री डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन है, वो भी अपनी जो इनकम सोर्स है, जो उनकी कमाई है, उससे कुछ पूंजी कुछ अंशदान करें, जिससे कि आज हमारे सामने रोल मॉडल हमारे बीच में खड़े हुए हैं बाबूराम जी जामोर। ऐसा ही कोई दूसरा व्यक्ति निकल के आएगा, वो भी समाज के लिए उत्थान की बात करेगा और समाज आज नहीं तो कल अग्रणी पंक्ति पे जाके खड़ा होगा। मैं और समस्त हमारे जो बंधुवर खड़े हुए हैं, सभी आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। आपको हमारी ओर से, हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने समाज के प्रति इतनी मेहनत से लगन से दो पैसे जोड़कर कुछ सोचा, आने वाली पीढ़ी भी आपको बहुत धन्यवाद देगी। जय भी।